वह कुछ बात ऐसे मैं कहता हूं जो संसदीय तो है, गाली तो नहीं है। अभी तक किसी ने नहीं कहा कि गाली मैंने दिया है, लेकिन थोड़ा कड़े जरूर हो जाते हैं। तो कड़े शब्दों से बचना है इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को, तो किसानों के हक में फैसले ले लीजिए। मैं उतना मीठा वचन से आपका प्रशंसा करूंगा कि चीनी भी फेल कर जाएगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राज मोहन तिवारी। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह पिछले दिनों जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैकिंग मोड में नजर आए, उसके बाद राजद के सुप्रीमो के कहने पर, यानी कि लालू यादव के कहने पर, आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सुधाकर सिंह को नोटिस भेज दिया था और ये कह दिया था कि 15 दिनों के अंदर आप जवाब दीजिए और ये बताइए कि आपके ऊपर पार्टी कठोर कार्रवाई क्यों ना करे। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद सुधाकर सिंह अब मुख्यमंत्री पर हमलावर नहीं होंगे, लेकिन अब देखिए, सुधाकर सिंह चुप रहने वालों में से नहीं है। और एक बार फिर जब अपने विधानसभा रामगढ़ के दुर्गावती प्रखंड में एक दही चूड़ा भोज और किसानों के संगोष्ठी कार्यक्रम में जब वो उपस्थित हुए, तो नीतीश कुमार पर चुटकी लेने से जरा भी कतराते नजर नहीं आए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह। ऐसे संकट के दौर में हम गुजर रहे हैं, जब सड़कों पे हम निकलते हैं, घर में बैठते रहते हैं, ऑफिसों में जाते हैं, तो लोगों की पीड़ा से मैं पिघल जाता हूँ। वह कुछ बात ऐसे मैं कहता हूँ जो संसदीय तो है, गाली तो नहीं है। अभी तक किसी ने नहीं कहा कि गाली मैंने दिया है, लेकिन थोड़ा कड़े जरूर हो जाते हैं। तो कड़े शब्दों से बचना है इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को, तो किसानों के हक में फैसले ले लीजिए। मैं उतना मीठा वचन से आपका प्रशंसा करूंगा कि चीनी भी फेल कर जाएगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूं, मुझे शब्दों के चयन करने में कोई कोताही नहीं बरतता। मैं लाठी लेके नहीं चलता, लेकिन मेरे शब्द के वार भी हैं और शब्द के प्यार भी हैं। आपको प्यार पाना है तो आपके अच्छे काम करने होंगे। तो आपने देखा किस प्रकार से सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा, लेकिन उन्होंने ये बात भी साफ तौर पर हर किसी के मन में डालने की कोशिश की कि उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर कोई भी असंसदीय भाषा का प्रयोग अब तक नहीं किया है। और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि सुधाकर सिंह उनके ऊपर कुछ भी ना बोले और केवल प्यार बरसाए, तो उसके लिए जरूरी है कि किसानों के हित में वो कदम उठाए। अगर ऐसा वो करते हैं तो जो सुधाकर सिंह अभी तीखे तीर नीतीश कुमार पर चला रहा है, वो चीनी से भी ज़्यादा मीठे बोल भी मुख्यमंत्री के लिए बरसाएगा। अब देखना होगा आरजेडी सुधाकर सिंह के इन बातों को किस प्रकार से लेती है और जनता दल यूनाइटेड के तरफ से सुधाकर सिंह के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है। बनी रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।